ऐसा माना जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती, जब भी मौका मिले अभ्यास करते रहना चाहिए। लेकिन कई बार घर की परिस्थितियों के कारण या फिर अन्य किसी कारणों की वजह से शिक्षा बाधित हो जाती है, लेकिन जिसमें लगन होती है वो व्यक्ति फिर मौका मिलते ही वापस ज्ञान अर्जन करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। कुछ ऐसा ही हुआ चीन के तियाजिन विश्वविद्यालय की 81 वर्षीय महिला के साथ। ये 81 वर्षीय महिला ने स्नातक डिप्लोमा कर अपने दशकों पुराने सपने को पूरा किया। स्नातक समारोह के दौरान सुई मिनसियू को रविवार 4 फरवरी को स्नातक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इसके बाद सुई ने कहा कि मुझे ये अवसर देने के लिए मैं तियांजिन विश्वविद्यालय का शुक्रिया अदा करती हूँ। वास्तविक यह है कि मैं इसे शुरुआती दिनों में पूरा नहीं कर पाई, लेकिन आज मेरा सपना सच हुआ। मुझे लगता है कि जीवन का अर्थ लगातार अपने आप को चुनौती देना और अपने आप में सुधार करते रहना है। सुई मार्च 2014 को तियांजिन विश्वविद्यालय में आधुनिक दूर शिक्षा के तहत ई कॉमर्स में स्नातक के पाठ्यक्रम में पंजीकृत हुई थी। तब वो 77 वर्ष की थी। वो अपनी कक्षा में सबसे उम्रदराज छात्रा थी। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।